हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 डेटा हैंडलिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने एक ये जो व्हील होता है ना, ठीक है, इसको हमने स्पिन करा, घुमाया। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या क्या चांसेस है, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो देखो हमें ए मिल सकता है, अगर ये रेड वाला मार्क जो स्पिनिंग व्हील में जो एक मार्क होता है ना रेड वाला, अगर ये ए की तरफ आए तो देखो तुम्हें ए मिल सकता है रिजल्ट। ठीक, ये अगर बी की तरफ आएगा तो बी मिल जाएगा, सी की तरफ आएगा तो सी मिल जाएगा रिजल्ट, डी की तरफ आएगा तो डी मिलेगा हमें रिजल्ट। ठीक, लेकिन अगर फिर से ए पे आया तो देखो ये ए हम काउंट कर चुके तो इसे दोबारा ए को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, अब आ जाओ तुम इसके बी पार्ट पे। ये कह रहे हैं एक कॉइन है, सिक्का है। ठीक है, तो कॉइन के दो तरफ होते हैं, एक तरफ हेड लिखा होता है ना, वो एच से डिनोट करते हैं, और एक तरफ टेल लिखा होता है जो हम टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, होता है कॉइन होता है ना, उस पर एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक, तो अगर मैं इस सिक्के को उछालती हूँ, दो सिक्के हैं तुम्हारे पास, ठीक, अगर मैंने इस कॉइन को उछाला तो बताओ मुझे क्या मिल सकता है। हो सकता है मुझको हेड मिले, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक, दोबारा उछाला, हो सकता है मुझे दोबारा से हेड मिल जाए। ठीक है, फिर या क्या हो सकता है, मैंने एक दफ़ा पहला कॉइन उछाला तो मुझे हेड मिला। ठीक, फिर मैंने दूसरा कॉइन उछाला तो मुझको टेल मिला, हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है पहला कॉइन उछाला तो मुझको टेल मिला, ठीक, दूसरा वाला मैंने उछाला टॉस करा तो क्या मिलेगा, हेड मिल जाएगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है पहला कॉइन मैंने टॉस करा तो टेल मिला, दूसरा कॉइन मैंने टॉस करा तो क्या मिला, फिर से मुझे टेल मिला। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकते ना, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर।